ये उत्तर प्रदेश जनपद जालौन बुंदेलखंड उरई की सबसे छोटी पार्टी राखी आजाद संकीर्तन पार्टी ब्रांच गुरुवर परम पूजनीय परम श्रद्धेय आकाशवाणी श्रद्धेय स्वर्गीय गुरुवर श्री कमल कुमार जी त्रिपाठी वो कीर्तन सम्राट कानपुर उनके श्री चरणों में हम बच्चे बारंबार नतमस्तक होते हुए जय हो पूजने गुरुवर जी के शुभ चरणों का ध्यान करते हुए जय हो यथोचित नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी ओर से करने जा रही हूँ। जय हो जय हो। परम सम्मानी आदरणीय हमारे पूजनीय श्री बाल योगी महाराज जी जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, बाबा भोलेनाथ के इस पावन दरबार में ये जो आयोजन रखा गया है, कार्यक्रम को सुनने के लिए पधारे हुए आए हुए दूर दूर से हमारे सभी महानुभाव उपस्थित, सभी छोटे बड़े भैया दत्ता लोग, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग भैया दत्ता लोग बाहर से पधारे हैं, आए हुए क्षेत्रीय कलाकारगण कीर्तन प्रेमी कीर्तन श्रोतागण हैं, पधारे हुए समस्त श्रोताओं को अपनी ओर से नमन कर रही हूँ, आप सभी का आशीर्वाद अपने सर पे ले रही हूँ। साथ ही साथ स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ आज हमारे साथ जो सहयोगी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, हमारे जिले के जाने माने सुविख्यात और सुरीले कलाकार, क्या बात है, हमारे आदरणीय भैया श्री सुनील भैया जी, सुनील सावली जी, आपकी आपकी तरफ से जो भी अतिथिगण पधारे हैं और जो भी आपके मंडल में विद्वान जन उपस्थित हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से नमन कर रही हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। साथ ही साथ धन्यवाद के पात्र हैं सम्मानीय आदरणीय हमारे भैया के एस म्यूजिक यूट्यूब चैनल के जो मालिक है हमारे संजय भाई साहब, क्या बात है भाई, वाह, जो फिरोजाबाद से चलकर के पधारे हैं और क्या, और जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को केवल जिले में नहीं देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा सुना जाता है, तो आप वहां से चलकर यहां तक आए इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ धन्यवाद दे रही हूँ हम दोनों कलाकारों के मध्य एक जो तीसरे कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं हमारे, और वास्तव में वो तीसरे कलाकार तो एक ऐसे कलाकार होते हैं कैसे जिनके बिना तो सारे कलाकार ही बेकार होते हैं और क्या, और वो तीसरे कलाकार हमारे आज के ये साउंड के ऑपरेटर महोदय जी, तो आपको भी मेरी ओर से इस बेहतरीन व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए सभी को नमन करते सभी का आशीर्वाद लेते हुए महारानी के पावन श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद लेते हुए, बाबा भद्रबली जी के पावन चरणों में बारंबार अपने चित्त को समर्पित करते हुए ध्यान करते हुए यथोचित नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी ओर से कर रही हूँ। आइए सुनते हैं सर्वप्रथम एक बहुत छोटा सा माता रानी का आह्वान, जय हो, उसके बाद एक गीत अपनी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा, और चाहूंगी कि संपूर्ण रात्रि भर में जो भी कुछ कमियां त्रुटियां बच्चों के माध्यम से हो जाए आप लोग अपना जान करके छोटा जान करके क्षमा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ है, तो आइए सुने सबसे पहले माता रानी का आह्वान, सुने आप लोग। भैया जाति वाला भाई बुलाते हैं, दोनों की जाति वाला भाई। तो आइए सर्वप्रथम महारानी के पावन श्री चरणों में चंद पंक्तियां अपनी ओर से समर्पित करते हुए भगवती का आह्वान करते हुए चल रहे हैं मां के दरबार की ओर। जय हो जय हो। संजय भैया एक बार कैमरा उधर घुमा दो।
सभी लोगों की फोटो आ जाए ताकि सब लोग दर्शन कर लें। महाराज बैठ जाओ, वैसे ही बहुत 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 परेशान है, बैठ जाओ, बैठ जाओ महाराज। भोलेनाथ का लगा दें, हाँ, जिनको भी दो हाथ मिले हो वो दोनों हाथ उठा ले, हाँ, जिनको एक मिला एक ही उठा ले, नहीं मिले हैं कोई बात नहीं, वो दो आरक्षण का है। क्या बात है, देखो कितनी हिम्मती श्रोता है, कम से कम हिम्मत करके हाथ उठाए तो। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं सर्दी लग रही है, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं हमको हाथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं। हालांकि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना? और ये तो जयकारा है भगवान का, जयकारा जरा जोर से बोलिएगा, बोल शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय। भाई वाह, कितने प्यारे भक्त हैं, कितनी जल्दी बात मान लेते हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या पुण्य तुषारहार धौलाया शुभस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माजित शंकर कृत वीरदेव सदा वंदिता, सरस्वती भगवती निशेष जाजा। भक्त वहां के दरबार में जाने के लिए तमाम जा रहे हैं, और क्या, और जब तमाम भक्त हो जाते हैं तमाम इच्छाएं भी हो जाती हैं। जय हो। और वैसे भी वंदना गाने के लिए हालांकि किसी फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं होती है ना? लेकिन कभी कभी कुछ गीत फिल्मी दुनिया वालों की ओर से ऐसे भी आ जाते हैं, हाँ, कैसे, जो मानो अपने आप में बड़े ही मधुर होते हैं। जय हो। और जिनको गाने का भी बड़ा मन होता है, हाँ। तो एक गीत बजा कौन सा, और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या बात है, क्या बात है, चाचा कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, yeah!
सकते हैं। क्या बात है क्या भैया सीटी? रामदास भैया जी सरावन वाले रसगुल्ले वाले। क्या बात है, हमारे मुंह में पानी आ गया। वाह रामदास भैया रसगुल्ले वाले। अच्छा अच्छा सरावन के हो ना, सरावन के हो जी। हे भगवान, रामदास भैया रसगुल्ले वाले, आपकी तरफ से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सवेरे रसगुल्ले भी बांध देना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। श्री हर नारायण चाकवार जी बुराई वाले, क्या बात है, आपकी तरफ से भी 21 मुद्राओं का आशीर्वाद। अरे आप कुछ बताते हो और कुछ बोल के जाते हो। हिम्मत से बैठो, पहले तो आप खुद दूसरी दुनिया में घूम रहे हो। जानवर की जान आज इन कानों ने ली है, चुप क्यों है संसार? तो नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। आदरणीय सम्मानित श्री शशिकांत द्विवेदी जी, वाह वाह, आपके कर्कमों से ये एक से मुद्राओं का आशीर्वाद प्रकट हुआ है। क्या बात, हृदय से माननीय मुख्यातिथि महोदय जी को नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। हर नारायण भैया सरावन, गुस्से में ना बोला करो, हमको डर लगता है आपसे। हम लोग दहशत में हैं। 11 मुद्राएं आपकी तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए, क्या बात है जियो मेरे भाई। लेकिन जहां तक वंदना की बात है, तमाम भक्त मां के दरबार से कोई बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, लेकिन भैया आप स्वर की देवी हैं, कलाकार की जननी है आप, और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपका आह्वान तो कर रही हूँ भैया, आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं आप चले आइए और आकर के मेरे मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, मां लाज बचाइए। आओ बातें आओ। और वैसे भी कहा जाता है जब तक श्री राम प्रकाश जी दोहरे सरावन आपके माध्यम से 11 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, ये बात बहुत बढ़िया। हमारे
एक मिनट एक मिनट क्या लिखा बादशाह भैया हमारे क्या बात है क्या बात है बादशाह नाम लिखा है कोई बात नहीं और आप सरावन के हैं आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद मेरी ओर से जब तक ये इंसान गर्भ के अंदर रहता है तो ये इंसान परमात्मा से तरह तरह के वादे करता है और क्या तरह तरह के वादे करता है कि हे ईश्वर हे परमात्मा इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे और जो भी ज्ञान जो भी शिक्षा तू मुझे देकर संसार में भेजेगा मैं तेरा बताया हुआ सारा ज्ञान सारी बातें याद रखूंगा। भैया हमारे श्री नरेंद्र सोनी जी सरावन निवासी एक से एक मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हो रही हैं। क्या बात भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। हेलो हाँ कृपया ध्यान दें कि जो भी भक्तजन यहाँ जो कीर्तन संध्या में अपना समय दे रहे हैं और जो प्रेम प्रसून दे रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो कॉपी में लिखवा दें और जहाँ आपका चक्र समाप्त हुआ तुरंत आपको बोल दिए जाएंगे और दे दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया लिहाजा डिस्टर्ब होता है आप सभी से अनुरोध है कि जो भी भक्तजन यहाँ प्रेम प्रसून दे रहे हैं और देना चाहते हैं वो कॉपी में अवश्य लिखो। धन्यवाद भगवान से वादा तो कर लेता है इंसान कि परमात्मा मैं तेरा बताया हुआ सारा ज्ञान याद रखूंगा और इसीलिए संसार में व्यक्ति जब आता है तो मुट्ठी बांध के आता है लेकिन यहाँ आते ही यहाँ के मोह माया के बंधन में पड़ के वो इंसान उस पैदा करने वाले को भूल जाता है। तो मैं कह रही हूँ क्या क्या झूठे हैं रिश्ते नाते सारे दादाजी एक मिनट ये महाराज को और कहीं स्थापित करवा दो आप आप वहीं रहो मंदिर के पास। हाँ तो झूठे हैं रिश्ते नाते सारे झूठा है संसार फिर सच्चा क्या है क्या है झूठे हैं रिश्ते नाते सारे झूठा है संसार साचा तेरा दरबार लोग कह रहे थे दरबार में जाने के बाद भी दर्शन नहीं मिलता है उसका कारण क्या है क्या है तो दरबार में आई बार बार पर वो न सका एक बार माता तेरा दीदार माता तेरा
रही हूँ। कहा जाता है तो तेरी शक्ति आदि शक्ति साकार रूप कहीं निराकार मां हो, कहीं आप साकार हैं हाँ और कहीं निराकार हैं ऐसा, इसीलिए साकार रूप कहीं निराकार कर पाऊं किस प्रकार माता तेरा दीदा प्रदान की है हाँ, जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है, सुनिए आप सुनिए आओ 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 हर नारायण साकवार सरावन शाबाश, आपकी तरफ से 11 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आवाहन करती आवाहन करती हो माँ छोड़ के आवाहन, आपका जो वाहन है आप अपना वाहन छोड़ के चली आइए माँ, क्यों क्यों तो आवाहन करती हो माँ छोड़ के आवाहन,
क्या ना हार जीत चाहो ना चाहो ना हार जीत चाहो ना चाहो हार और उपहार तो चाहो तेरा माँ प्यार नारायण साकुवार सरावल लगे रहो धन्यवाद है छुट्टा करा के बैठे हो क्या और जाओ बिल्कुल आप हमसे ना तो भैया उन्हीं को पकड़ के ले जाओ वहीं लिखो और जाओ अगर पैसा देना है लिखवा दो हाँ फिर सबसे ज्यादा फोटो हमारा ही आएगा इसमें पहले प्रेस पर आएगी आपकी फोटो कहीं कुछ काम गड़बड़ हो गया समझ लो फिर आप अंतिम बंदियां माँ के चरणों में समर्पित कर रही हूँ और कहना है माँ क्या मेरा क्या कहना है आलाप ताल स्वर का कैसे होता है कोई कमी कोई त्रुटि हो जाए माँ तो हम बच्चे क्षमा प्रार्थी हैं और क्या पर कहना है क्या तो आलाप ताल स्वर का माँ ज्ञान नहीं जान और जहां तक लेखनी की बात है तो पिंगल रदीव क्या है पहचान नहीं जान पिंगल रदीव क्या है ये पहचान नहीं जा केवल इतना निवेदन आपसे कर रही हूँ माँ तेरी कृपा फिर चाहे कल्याणी रहे कृपा कोल चाहे कल्याणी ये कीर्तन परिवार साचा तेरा दरबार दरबार में आई बार बार कर न सताई को माता तेरा बोलिए सरस्वती मैया की जय बहुत बहुत धन्यवाद है दूधाधारी महाराज की जय सभी संतों की जय मंच पर उपस्थित सभी कलाकार और गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं
प्रणाम करता हूं। आज भूरेश्वर महाराज के दरबार में आए हुए सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बाहर से आए हुए सभी महान भावों को और प्रणाम करता हूं। भूरेश्वर दरबार के पुजारी महाराज को प्रणाम करता हूं। भागवत आचार्य जो भागवत यहाँ चल रही है, बहुत मीठी वाणी से आपको भागवत का श्रवण कराया, प्रणाम करता हूं। उमा शास्त्री जी को और प्रणाम करता हूं। सभी पत्रकार वालों से प्रणाम करता हूं, जो बाहर से आए YouTube चैनल वाले भैया और हाँ संजय भैया को प्रणाम करता हूं। फरकाबाद से चलकर के ग्राम सरावन में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम के साथ मैं प्रणाम करता हूं हमारी परम आदरणीय राखी आजाद पुरे, बहुत अच्छी फनकार कलाकारा हैं, और उनके सभी साथी मंडल के कलाकारों को प्रणाम करता हूं। उनके आचार्य मोदी जी को प्रणाम करता हूं और परम पूज्य गुरुदेव उत्तम चंद आचार्य उरई प्रणाम करते हुए मैं कीर्तन का शुभारंभ कर रहा हूं। तो प्रथम पंक्तियां माता रानी के चरणों में लीजिए और फिर मैं तुम्हारा प्रणाम करता हूं। बाल योगी महाराज श्री 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 1008 दूधाधारी महाराज को प्रणाम करते हुए कीर्तन शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान दें, हेलो
सानी। ये सरगम सहर पामा पा पा सगामा पामा पा मैं पलकल रहा निहारूंगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये आवे देवा ये है हा क्या बात है क्या बात है। कन्या कोई यो नहीं है अच्छा तो ये भी है। ये हर नारायण पाल जी की तरफ से आया है आशीर्वाद जी का आपका हमारे परम आदरणीय एक और पुर वाले दिया दे रहे हैं भैया माइक वाले से ये भैया से बोल थोड़ा ये हारमोनियम का माइक बहुत डाउन है। आंचल यादव जो बहुत अच्छी कलाकार है उनकी तरफ से आया है बहुत बहुत धन्यवाद।
मां के चरणों में। हेलो संजय भाई जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं उनके लिए हमारे पप्पू तिवारी जी ने दिए हैं आशीर्वादी कामना करते हैं। लेके आया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
21 रुपए का प्रेम प्रसून छोटे कुशवाहा जी की तरफ से आए शरावन निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 51 पत्र मुद्रिका है रतिराम राठौर जी की तरफ से आशीर्वादी कामना और 11 रुपए मोनू राठौर शरावन इनकी तरफ से आए हैं और 51 रुपए दिलीप आर्या जी की तरफ से आए हैं आशीर्वादी कामना और 51। हेलो सक्षम श्रीवास्तव जी की तरफ से आए और 21 रुपए नेताजी शरावन इनकी तरफ से आए हैं, 11 रुपए शर्मा वकील साहब की तरफ से आए हैं, गुरुजी की तरफ से आए हैं आशीर्वादी कामना करता हूं, और 11 रुपए भूप सिंह आजाद शरावन ये मुद्रिकाएं नहीं है आशीर्वादी कामना। मनोज शर्मा जी हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ की तरफ से 21 रुपए का प्रेम प्रसन्न आया है आशीर्वादी कामना। कि तू ही जग की जगरानी है, तू ही जग की महारानी है, तेरी रचाई दुनिया में, तेरी ही रचाई दुनिया है, तेरा ही है अफसाना। जब ताल मिले आना, जब साज मिले आना।